Hello dear friends, this is Ayal Roy and I welcome you to my YouTube channel E-commerce Scholar. Today's topic is advantage of barter exchange system. आज का जो विषय है वो ये है कि barter exchange system के क्या advantages थे. Advantages की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर time हमें ये चीज़ पढ़ाई नहीं जाती, books में available नहीं है. लेकिन एक बार मैं जब बैंक के PO के इंटरव्यू के लिए जब पहुंचा था तो वहाँ पे जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था कि what are the advantages of barter exchange system. और उस मोमेंट पे मेरे पास ज़्यादा कुछ था नहीं उनको बताने के लिए. तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जहाँ पे हम इस चीज़ को समझें कि कहीं ना कहीं बार्टर एक्सचेंज सिस्टम के कुछ ना कुछ तो एडवांटेजेस रहे होंगे. तभी तो ये 9000 BC से रीसेंट टाइम तक अब चला आ रहा था और अभी भी ये कहीं ना कहीं मौजूद है. क्या ऐसी चीज़ें थी बार्टर एक्सचेंज सिस्टम की जो इसको इतने लंबे समय तक लेकर के आई. लेकिन एक और चीज़ मैं इस समय क्लियर करना चाहूंगा कि जो एडवांटेजेस बार्टर एक्सचेंज सिस्टम के थे वो मॉनेटरी सिस्टम के डिसएडवांटेजेस हैं. मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि बार्टर एक्सचेंज सिस्टम के जो एडवांटेजेस थे वो मॉनेटरी सिस्टम के डिसएडवांटेजेस हैं. क्या थे उसको समझते हैं. चलिए सबसे पहली चीज एडवांटेज की बात करें बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में. इट इज अ सिंपल सिस्टम डिवॉइड ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ द मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम. जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि जो मॉनेटरी सिस्टम के जो भी ड्रॉबैक्स हैं वो एक्चुअली में बार्टर एक्सचेंज के एडवांटेजेस होते थे. जैसे इन्होंने बोला है पहला, इट इज अ सिंपल सिस्टम. ये बहुत सिंपल सिस्टम हुआ करता था. डिवॉइड्स का मतलब है हैविंग नन ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ द मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम. एग्जाम्पल के तौर पर आज के टाइम में हमें बहुत सारा टैक्स भरना पड़ता है. आज के टाइम पे अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. तो फॉरेन एक्सचेंज कराना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. तो आज के टाइम पे पैसे से रिलेटेड अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है पैसे की ट्रांजेक्शन करने में, कुछ खरीदने में, कुछ बेचने में, अकाउंटिंग करने में, तो ये जो प्रॉब्लम हुआ करती है आज के टाइम पे ये बार्टर एक्सचेंज में नहीं हुआ करती थी. दिस वॉज द बिगेस्ट एडवांटेज, या दिस वॉज कहूँ या दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ बार्टर एक्सचेंज सिस्टम. दूसरा इन्होंने कहा है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ओवर और अंडर प्रोडक्शन अंडर द बार्टर सिस्टम सिंस गुड्स आर प्रोड्यूस्ड जस्ट टू मीट द नीड्स ऑफ द सोसाइटी. पहले के टाइम पे ऐसा कुछ होता नहीं था कि जहां पे हम किसी भी चीज का ओवर प्रोडक्शन करें या अंडर प्रोडक्शन करें. ओवर प्रोडक्शन का मतलब होता है जितने की डिमांड है उससे ज्यादा आप प्रोड्यूस कर दो. अंडर प्रोडक्शन का मतलब है जितने की डिमांड है उससे कम प्रोडक्शन होना अंडर द बार्टर एक्सचेंज सिस्टम. ऐसा कोई सवाल ही नहीं उठता था क्योंकि जो भी हमारे पास गुड्स होते थे उसे हम एक्सचेंज कर लेते थे. सोसाइटी अपनी नीड्स पूरी करते थे, सोसाइटी की नीड्स पूरी करते थे. जैसे मान लीजिए मैं एक किसान हूं. सपोज दैट आई एम अ फार्मर. नाउ वॉट आई शुड डू कि मान लीजिए कि मेरे खेत से मुझे जो अनाज मिला दैट इज सपोज 10 trucks. और होता क्या था बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में कि आई विल कीप वन ऑफ द ट्रक फॉर माई पर्सनल यूज. मैं एक ट्रक अनाज अपने पर्सनल यूज के लिए रखूंगा, रिमेनिंग 9 trucks मैं सोसाइटी में एक्सचेंज कर दूंगा किसी जरूरत के सामान को एक्सचेंज करने के चक्कर में या सर्विसेज अवेल करने के चक्कर में. क्योंकि बार्टर एक्सचेंज में पैसे तो होते नहीं थे, तो हम कोई भी चीज प्रोड्यूस करते थे तो उसका कुछ हिस्सा हम अपने पास रखते थे और बाकी चीजों को हम सोसाइटी से एक्सचेंज कर लेते थे. तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ओवर और अंडर प्रोडक्शन अंडर द बार्टर सिस्टम सिंस गुड्स आर प्रोड्यूस्ड जस्ट टू मीट द नीड्स ऑफ द सोसाइटी. क्योंकि गुड्स जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए प्रोड्यूस किए जा रहे हैं. अगला है थर्ड वन, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड सच एज फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस. हमें पता है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हमारे देश में 1991 के बाद आई थी उसके पहले हमारे देश में इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस पड़ा हो गया था जिससे हमारे देश में सिर्फ 3 हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा था. अब जब फॉरेन एक्सचेंज नहीं होगा हमारे पास तो हम किसी देश से कोई सामान इंपोर्ट नहीं करवा पाएंगे. जब इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो जब इंटरनेशनल, जो कि मनमोहन सिंह हुआ करते थे, वो जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास पैसे के लिए गए तो उन्होंने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बोला कि हम आपको पैसे दे तो देंगे लेकिन बदले में आप वापस कहां से कीजिएगा क्योंकि आपके पास ऐसा कोई इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है जहां पे आप फॉरेन एक्सचेंज ले सकें. क्योंकि गांधी जी ने 1905 और 1920 में स्वदेशी अपनाओ जो मूवमेंट चलाया था उससे फॉरेन की चीज़ों को अबॉलिश किया गया था. फॉरेन की कोई भी चीज़ हमारे देश में नहीं थी. तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी जिसमें एलपीजी था,
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन था, उससे फॉरेन की कंपनीज हमारे देश में आई और उन्होंने FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इन दो तरीकों से हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज आना शुरू हो गया। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती थी फॉरेन करेंसी की, फॉरेन एक्सचेंज की, ये प्रॉब्लम बार्टर एक्सचेंज में नहीं हुआ करती थी, क्योंकि देर वॉज नो सच सिस्टम, देर वॉज नो सच करेंसी। एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है कि हम किसी देश से या तो पैसा लेते हैं या तो कोई सामान इम्पोर्ट कराते हैं और उसके बदले में पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बिगड़ जाता है, वो बैलेंस हो नहीं पाता। तो दिस इज कॉल्ड एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, डू नॉट एग्जिस्ट अंडर द बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में होता ही नहीं था। अगर मैं 650 AD की अगर मैं बात करूं, तो उस जमाने में क्या होता था कि नॉर्थ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के बीच में एक बार्टर एक्सचेंज होता था, जहां पे सॉल्ट के बदले में गोल्ड का एक्सचेंज किया जाता था, या सॉल्ट के बदले में किसी दूसरी चीज का एक्सचेंज किया जाता था, गोल्ड के बदले में किसी दूसरी चीज का एक्सचेंज किया जाता था। तो दैट वॉज बार्टर एक्सचेंज सिस्टम, जहां पे ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं थी। पॉइंट नंबर 4 इज देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इनटू द हैंड्स ऑफ फ्यू रिच पर्सन्स अंडर द बार्टर एक्सचेंज सिस्टम, बिकॉज देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ स्टोरिंग द कमोडिटीज। आज के टाइम पे क्या होता है कि लोग अपना पैसा इकट्ठा करते हैं, करप्शन करते हैं। अगर मैं आपसे आपको बताऊं कि स्विस बैंक में अगर अकाउंट खुलवाने के लिए 500 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है, 500 करोड़ रुपीज, ये मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर जैसे कि हम अपने देश में किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाएं, तो या तो सैलरी अकाउंट खुलता है, या तो जीरो बैलेंस अकाउंट खुलता है, या तो आपको 1000 रुपीज देना पड़ता है। अगर प्राइवेट बैंक है तो हो सकता है आपको 10,000 रुपए मेंटेन करना पड़े। अगर हम स्विस बैंक में फॉरेन एक्सचेंज के फॉर्म में, अगर हम उस बैंक में अपना, जैसे कहते हैं ना, जहाँ पे करप्शन के बहुत सारे पैसे जमा हैं, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जितना भी मैंने पढ़ा है उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे अकाउंट खुलवाने के लिए 500 करोड़ रुपीस लगते हैं, और उसके बाद अलग से, और ये सारा का सारा फॉरेन एक्सचेंज में जमा होता है। तो आज के टाइम पे जो हमारे देश का पैसा है, किसी भी देश का पैसा जो इतने बड़े अमाउंट में कहीं पे जाकर के जमा हो रहा है, वो इससे क्या होता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है इकोनॉमिक पावर, आज के टाइम में जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है वो उतना रिच है, वो उतना पावरफुल इंसान है। लेकिन बार्टर एक्सचेंज के टाइम ऐसा कुछ होता नहीं था। देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन टू द हैंड्स ऑफ फ्यू रिच पर्सन्स, क्योंकि कोई रिच नहीं होता था उस टाइम। रीजन कि आप जो भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हो वो ज्यादातर चीजें पेरिशेबल नेचर की होती थी, आप यूज कर लो या तो आप एक्सचेंज कर लो, वरना चीज खराब हो जाएगी। अंडर द बार्टर एक्सचेंज, बिकॉज देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ स्टोरिंग द कॉमोडिटीज, आप किसी भी चीज को, लाइफ स्टॉक को, किसी भी चीज को आप स्टोर नहीं कर सकते थे बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में। इस चीज को मैं आगे कंटिन्यू करके ये कहना चाहूंगा कि एक फिगर ये बताई गई है कि अगर एक अकाउंट खुलवाने के लिए 500 करोड़ रुपए लगते हैं, इंडिया के 250,000 लोगों के वहां पे बैंक अकाउंट खुले हुए हैं। तो जस्ट इमेजिन कि इंडिया का कितना ज्यादा पैसा वहां पे जाकर के इकट्ठा हो गया है इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो जितना ज्यादा लोगों के पास पैसा वहां पे जमा होगा, लोग उतने रिच होते चले जाएंगे। बार्टर एक्सचेंज का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि कोई इस हिसाब से अमीर नहीं होता था। लास्ट वन इज पर्सनल एंड नेचुरल रिसोर्सेज आर आइडियली यूज टू मीट द नीड्स ऑफ द सोसाइटी विदाउट इन्वॉल्विंग एनी वेस्टेज। तो इन्होंने कहा कि पर्सनल और नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी हमारे पर्सनल रिसोर्सेज, जो भी हमारी चीजें हैं और जो भी नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, उससे हम आइडियली तरीके से इस्तेमाल करते थे, सस्टेनेबली इस्तेमाल करते थे, कि हम भी तरीके से इस्तेमाल करें, उसमें कोई वेस्टेज ना हो, हमारी भी नीड पूरी हो जाए, सोसाइटी की भी नीड पूरी हो जाए। तो ये बार्टर एक्सचेंज के कुछ एडवांटेजेस थे जो कहीं ना कहीं ये पैसे के जो डिसएडवांटेजेस हैं उससे रिलेटेड हैं, कहीं ना कहीं ये इसमें कुछ अच्छी क्वालिटीज थी, इसीलिए लंबे समय तक चला। होप आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। हम अगले पार्ट में डिसएडवांटेजेस ऑफ बार्टर एक्सचेंज को अच्छे से कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।